किसानों के लगातार आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। और बात की जाए पलवल की, तो पलवल में भी जो किसान आंदोलन का असर है देखने को ना मिले, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं पलवल फरीदाबाद बॉर्डर पर, जहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस की तमाम जो बटालियन है तैनाती की गई है, और यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी है वो इसी सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर लगाए गए हैं कि जो किसानों का दिल्ली कूच का जो फैसला था उसको लेकर लगातार प्रयास यही है कि किसान दिल्ली कूच ना कर सके। और उसी को लेकर अगर मैं बात की जाए तो पलवल के हाईवे पर जो नाके लगाए गए हैं और लगातार गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, और बटालियन यहाँ पर एक तरह से तैनात की गई है ताकि जो किसान है वो दिल्ली कूच ना कर सके, उसी को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुलिस लगातार लोगों को भी और किसानों को भी जाने का आगे का किस तरह न्योता देगी या फिर उनको सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी बीते दिन भी 3 घंटे इससे ज्यादा उनकी मुलाकात हुई और उसी के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड में आ गया, क्योंकि जब सहमति नहीं बन पाई तो उसके बाद किसानों ने फिर से हुंकार भरी है। परंतु इस आंदोलन से कुछ जो किसान बड़े जो पहले बड़े नेता थे वो नहीं है इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद है एसएचओ साहब। एसएचओ साहब, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, एसपी साहब ने किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं? हमारे गजपुर इलाके के अंदर 3 अपना नाके लगे हुए हैं, जो पिड़थला फ्लाईओवर है उसके नीचे लगा हुआ है, एक टोल के ऊपर है जिसमें लगभग 50 के करीब जवान लगे हुए हैं, और एक सोपता मोड़ पे नाका लगा हुआ है। तो किस तरह आप देखते हैं कि जो किसान हैं क्या वो यहाँ तक आ ना पाए, या फिर और कोई जो आए तो उनको किस तरह आप ट्रीट करेंगे? उम्मीद तो ये है कि यहाँ तक वो आ ही नहीं पाएंगे, यदि आएंगे तो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ये बैरिकेड लगाए हुए हैं, 6 लाइनें जाने वाली और 6 लाइनें आने वाली बंद की हुई है, 2 हट रहे हैं, यदि कोई नौबत आएगी तो हम तुरंत उनको सील कर देंगे। किस तरह जो गाइडलाइंस जो एसपी साहब की तरफ से दी गई हैं, क्या कुछ है, और जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उनको लेकर किस तरह से दिशा निर्देश हैं? नहीं, मैम के तो यही आदेश है भाई, दिल्ली की तरफ कोई भी ट्रैक्टर जा ना पाए, यही आदेश है। ट्रैक्टर्स की रोकाबंदी की गई है, तो कुछ जो सुबह से किस तरह से मूवमेंट देखने को मिली है? नहीं, हमारे इलाके में बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, कोई ट्रैक्टर की एंट्री नहीं हुई अभी तक। जी देखिए, कहीं ना कहीं पलवल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है, कोई भी ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके, उसी को लेकर लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो दिए गए उनके दिशा निर्देश हैं, उस पर पुलिस काम कर सके और पीसफुल तरीके से अभी यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इस टोल के बाद तो यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ी और तमाम जो बड़े इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस बटालियन है, क्योंकि 3 नाके यहाँ पर लगाए गए हैं, और उसी के साथ साथ लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किसान किस तरह सरकार के साथ अपनी बात रख पाएंगे, या फिर यह आंदोलन लंबा चलेगा और जो बड़े तमाम किसान के जो नेता पहले थे वो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल।